हाउस टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर आपका विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यालय का किया घेराव, आप नेताओं ने कहा जनता पर डाला जा रहा बोझ। कैब ड्राइवर्स ने कहा बेवजह और बेहिसाब काटे जा रहे हैं चालान, स्कूल कैब ड्राइवर्स ने कहा 1 अगस्त को करेंगे हड़ताल, ट्रैफिक पुलिस चालान के साथ साथ करती है गाड़ी भी जब्त। त्रिलोकपुरी में 11वीं छात्र पर चाकू से किया गया हमला, स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया भर्ती, परिजनों ने कहा अभी हालत गंभीर। पुलिस ने ब्लैक मैजिक करने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़ा, आरोपियों से छीनी हुई सोने की बालियां की बरामद, अस्पताल में इलाज कराने आई महिला को बनाया था शिकार। शराब पर 1 अगस्त से भारी डिस्काउंट हो सकता है खत्म, ठेकों पर लगी है लंबी लंबी लाइनें, लोगों को आने जाने में हो रही काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हाउस टैक्स दोगुना करने को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें कि पहले हाउस टैक्स पर 15% की छूट थी, लेकिन इसे घटाकर 10% कर दिया गया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने कहा कि बीजेपी नगर निगम के माध्यम से हाउस टैक्स को दोगुना कर रही है, जीएसटी के माध्यम से जनता पर बोझ डाला जा रहा है और हर चीज के दाम भी बढ़ाकर जनता को दबाया जा रहा है, महंगाई से जनता की जेबें खाली होने लगी हैं। आप नेताओं ने केंद्र और दिल्ली नगर निगम से अपील की कि ये जो दोगुना टैक्स लिया जा रहा है उसे तुरंत वापस लिया जाए और महंगाई को भी कम किया जाए, हम तब तक विरोध करेंगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। दिल्ली की आम जनता के ऊपर हाउस टैक्स की कीमतों को लेकर दोगुना किया जा रहा है, आज उसके विरोध में आईटीओ पे भाजपा के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा जो की आंखें मूंद के बैठी है, कान बंद करके बैठी है, कभी नगर निगम के माध्यम से हाउस टैक्स को दुगना कर रही है, कभी जीएसटी के माध्यम से जनता के ऊपर बोझ डाल रही है, तो कहीं पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाकर बोझ डाल रही है, कभी गैस के सिलेंडरों में जो बेतासा उछाल आ रहा है, इन चीज़ों को लेकर जिस प्रकार से जनता को परेशान किया जा रहा है, जनता को खास तौर से दिल्ली की आम जनता को जो ये दंश झेलना पड़ रहा है, उसकी लड़ाई यहाँ सड़कों पर लड़ी जा रही है। हम जहाँ केंद्र की सरकार से और दिल्ली नगर निगम की सरकार से मांग करते हैं कि जो ये हाउस टैक्स दुगना किया जा रहा है इसको तुरंत वापस लिया जाए, और साथ ही साथ जो ये महंगाई बेतहाशा रूप से बढ़ती जा रही है इसको कम करा जाए। हमारा कैब ड्राइवर्स ने 1 अगस्त को हड़ताल पर जाने की बात कही है। दरअसल स्कूल कैब ड्राइवर पिछले लंबे समय से बेवजह के चालान काटे जाने से परेशान है, ट्रैफिक पुलिस बेवजह और बेहिसाब के चालान काटने के साथ साथ गाड़ियां भी जब्त कर रही है। ऐसे में जब हमने इन चालकों से बात की तो उनका कहना था कि ट्रैफिक वाले गाड़ियों को रोक कर चालान काट रही है और साथ ही गाड़ियां बंद कर रही है, जिससे कि काफी दिक्कतें हो रही, साथ ही चालान का अमाउंट इतना ज्यादा है कि उसे भरें या फिर घर के खर्चे निकालें। अब केवल अपनी बात पहुंचाने का हड़ताल ही एक रास्ता है, इसलिए हम 1 अगस्त को हड़ताल करेंगे। पिछले काफी समय से स्कूल वैन ड्राइवर जो हैं काफी समस्याओं से जूझ रहे थे, अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर वो कई बार प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। कल यानी कि 1 अगस्त को हड़ताल पर जाने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल में मैं मौजूद हूँ अनारकली में, जहाँ पर आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वह मौजूद हैं, सभी प्राइवेट वैन चलाते हैं, स्कूल कैब जो हैं उसको ये लोग चलाते हैं। यहाँ पर मौजूद उनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनको, किस लिए वो लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन में मेरी सारी गाड़ियाँ बिक गई, अब मैंने बड़ी मुश्किल से एक इको ली है मैंने, और वो लेने के बाद ये चालान काटना शुरू हो गए, गाड़ियाँ बंद करना शुरू हो गए। किस वजह से, कोई मैसेज हमें दें कि किस वजह से काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं चालान, कोई रीज़न नहीं बताया जाता। गाड़ी में 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, उसके बाद भी गाड़ी बंद, 3 दिन के लिए गाड़ी बंद, 15,000 रुपये का चालान, 20,000 रुपये का चालान, 27,000 रुपये का चालान, 44,000 रुपये का भी चालान आया है इसमें। मैडम कोई बताने वाला हो तो ना, कोई बताते नहीं, उसी टाइम ही वो चालान काट देते हैं और उसी टाइम ही वहाँ से चले जाते हैं, कि उसके बाद कोई रीज़न कोई रहता ही नहीं है उसमें, कोई रीज़न रहता नहीं। मैडम 2 साल हम, मैडम 2 साल हम कोरोना की मार झेले हैं, हम कैसे उठे हैं हमें पता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम स्कूल जाएं,
कि ये हमने आप चुना काम, हम बच्चों को खुद लेकर आते हैं, खुद छोड़ते हैं, पेरेंट्स से हम पैसे लेते हैं, हमें किसी ने नौकरी नहीं दी, हमें कुछ नहीं किया, हम सेवा कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत है तो हमें बताइए आप ना मैडम, हमारी बात को सुनने वाला कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं सुनने वाला हमारी। हमारी गाड़ियों को रोक रोक के बाउंड किया जा रहा है, चलान किया जा रहा है, हमें गाड़ी चलाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, उन लोगों को भी हम लेके बच्चों को लेके जाते हैं, हमारे लिए तो हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले भाई हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को कि हमारी भी मजबूरी है, हमने बच्चे पालने हैं। 2 साल की हमने कोरोना की मार झेली है, हमने अपने साथियों को खोया है, जिन साथियों को जिनको हम मतलब जो हमारे साथ रोड पर चलते थे हम लोगों को खो दिया है, उसके बावजूद भी हम लोग रोड पर हैं, काम कर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ आप मैं कोरोना काल से पहले मैं 3 गाड़ियाँ थी, आज मैं एक ही गाड़ी। क्या कहेंगे स्ट्राइक की बात सुनने में आ रही है? स्ट्राइक हम लोग कल एक शांतिपूर्ण हड़ताल करने की उसमें हमने घोषणा की है, जो पूरी दिल्ली की तरफ से यूनियन हमारी कैब यूनियन की तरफ से दिल्ली कैब यूनियन की तरफ से पूरी दिल्ली में हर अपने अपने स्कूलों पे करी जाएगी। सारे परेशान हैं हम लोग, बस गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि हमारे को थोड़ा टाइम दिया जाए संभलने का, जो हमने 2 साल की मार झेली है उससे उबरा जाए। मैम वो नहीं चाहते हम, गवर्नमेंट कुछ और पॉलिसी निकाले, हम नहीं चाहते कमर्शियल करना, कमर्शियल की भी नुकसान है हमारा, कमर्शियल का भी हमारा नुकसान है, हम दिल्ली से बाहर अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, परिवार के साथ कहीं जाना चाहे तो नहीं जा सकते, उस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई ऐसा हल निकाले जिससे हम आगे भी काम कर सके और गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम ना आए। ये चलान जो आनन फानन में हम पे लगाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ बाउंड करी जा रही हैं, इसको बंद करें। कौन सी गाड़ियाँ बंद की मैडम? गाड़ी कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट हो, सब बंद हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट बंद हो रही है, और वो सब बंदे हमारे भाई हैं, चाहे वो कमर्शियल वाले हैं चाहे प्राइवेट वाले हैं। सभी लोग स्कूल वैन ही बिल्कुल मैडम, सब कैब वाले हैं। सबसे पहले सरकार से यही विनती करते हैं, 20,000-50,000 का चलान इतना ज़्यादा है कि हमारे 3-3 महीने का राशन जा रहा है, बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैडम हमको क्या क्या टॉर्चर हो रहा है वो सरकार नहीं जानती, हमारे बच्चों को फीस के लिए टॉर्चर करा जा रहा है, उनको ये तक बोला जाता है कि आप फी डिफॉल्टर हैं। दिल दुख रहा है मेरे को कैमरे पे बोलते हुए, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। हमने एक चीज़ देखी है, सरकार जब मर्जी फरमान जारी कर देती है, ये सरकार है या पब्लिक के खिलाफ वाली सरकार है? ये आम आदमी कहते हैं जी हम तो आम है, क्या आम है आप तो सरकार जहाँ कोई कमाना चाहता है, दाल रोटी कमाना चाहता है, वैसे कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं, यहाँ गरीबों के गद्दार हैं ये, गरीबों के खिलाफ हैं ये। ऐसा है जी, ऐसा पिछले 10-12 साल पहले हुआ था, उसके बाद सरकार सो गई, सरकार ने 5-6 साल से कमर्शियल करना बंद कर दिया, जब आपने कमर्शियल पे ध्यान देना बंद कर दिया यहाँ कोरोना आ गया, कोरोना में सब कंगले हो गए, हमने घर से खाया, केजरीवाल ने कभी देखा कि प्राइवेट गाड़ी वाले बेचारे रोटी कहाँ से खा रहे हैं? यहाँ पर जितने भी वैन ड्राइवर्स हैं उनका सबका ये कहना है कि चलान को सबसे पहले बंद किया जाए, हमारी बातें सुनी जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, और जो भी समस्याएं उन लोगों के साथ हो रही है उनको जल्द से जल्द सरकार सुनवाई करे और उनको खत्म करे। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी के 11 ब्लॉक में रहने वाले 11वीं के छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। परिवार के मुताबिक कल रात जस्सी ट्यूशन से वापस आ रहा था तो उसे कॉल करके किसी ने त्रिलोकपुरी में बुलाया था, जिसके बाद जस्सी पर चाकू से हमला कर दिया गया। और हैरानी वाली बात तो यह है कि हमले के दौरान जस्सी के कमर में चाकू फंस गया। कमर में फंसे चाकू को लेकर जस्सी 200 मीटर तक दौड़ा, घर पहुंचने के पहले ही सड़क पर गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जस्सी को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सफदरजंग भी रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि परिवार के मुताबिक अभी जस्सी की हालत गंभीर बनी हुई है। बच्चे को मारा था, किसी को मार रहे थे ब्रेड वाले को, इसने हर एक को तरस आ जाता है अभी, इसको मत मारो, इधर ब्रेड देने आता है वो, कि इसको मत मारो तुम, ऐसे ऐसे मत करो, उसको मारा तो उसको पकड़ लिया, कह रहे तू हिम्मत करेगा, उसका थप्पड़ मार दिया, जब उसका थप्पड़ मारा तो लड़के ने भी थप्पड़ मार दिया, बच्चे को बर्दाश्त नहीं करते, और ऐसी वो उठा के ब्लॉक होते हैं ना जो सीमेंट के बने होते हैं, वो मारा, उसका ये सारा सर फाड़ दिया, पूरा चेहरा यहाँ से बिगड़ा हुआ है, फिर उसका चक्कू एक इधर मारा है, एक अंदर इधर मारा, तो वो फंस गया बिल्कुल ही, वो पसलियों में जाके फंस गया, वो निकला नहीं है, अब डॉक्टरों ने निकाला है सफदरजंग अस्पताल में। हाँ हिम्मत करके आया है बच्चा, भागता भागता आया, वहाँ गिर गया, फिर वहाँ बोला कि मेरी मम्मी को बुला दो, ट्यूशन जाता है बच्चा। रात को हम उसको 11 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल में ले गए थे, तब से ही उसको ऐसे ही डाला हुआ था, बहुत रश था वहाँ पे, उसको देखा भी नहीं, पूरी रात उसके बैक में ऐसे नाइफ लगा रहा है, और अब जाके उसका 2 बजे ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे थे वो लोग, इनफैक्ट देख भी नहीं रहे थे, और उसके ईंट वगैरह भी गाड़ी पे मारी हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत नाजुक हालत है, अभी तो अनकॉन्शियस है।
जीटीबी थाना पुलिस ने दो ब्लैक मैजिक करने वाले गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। इनसे धोखाधड़ी से छीना हुआ एक आभूषण भी बरामद किया गया। आपको बता दें कि जीटीबी इनक्लेव थाना पुलिस को दिल्ली में दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की एक घटना की सूचना मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वो जीटीबी अस्पताल इलाज के लिए आई थी और दवा लेने के लिए फार्मेसी ओपीडी के पास इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक अनजान व्यक्ति आया और उसकी बीमारी के बारे में पूछने लगा और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। कुछ ही देर बाद दूसरा शख्स उसके पास आया और उसकी आंखें बंद करने को कहा और सूर्य की ओर 10 कदम चल दिए। आपको बता दें कि दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने उससे सोने की बाली भी ले ली, जो कि उसने पहनी हुई थी, जिसके बाद महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों व्यक्तियों का पता चल गया है और अपराध में ये व्यक्ति पहले से भी शामिल है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पिछले कुछ समय से शराब के दामों पर भारी डिस्काउंट मिल रहा था, जिसका लोगों ने खूब फायदा उठाया। दिल्ली में बीजेपी और आम जनता ने भी खूब बवाल किया, क्योंकि जगह जगह ठेके खोले जा रहे थे। लेकिन अब 1 अगस्त से ये डिस्काउंट खत्म होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार पुरानी आबकारी नीति को फिर से लौटाने की सोच रही है। पुरानी पॉलिसी में शराब की सरकारी और प्राइवेट दोनों दुकानें होंगी और शराब पर कोई भी ऑफर नहीं मिलेगा। जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की शराब की दुकानों का जायजा लिया तो देखा कि शराब की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है, जिससे कि लोगों को सड़कों पर आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। सरकार ने दिवाली पर पटाखे चलाने पर बैन लगा रखा है, जैसे कि पॉल्यूशन ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी पॉल्यूशन कम नहीं होता। ऐसे में सरकार को पटाखों पर रोक लगानी चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के दुकानदारों से बात की तो उनका कहना था कि सरकार केवल रोक लगाती है, ना कि पॉल्यूशन को कम करने के सख्त नियम बना पाती है और सरकार को कोई और तरीका अपनाना चाहिए, जिससे कि त्यौहार खराब ना हो। पटाखों पर बैन लगाना बिल्कुल भी गलत है। पटाखे से कोई प्रदूषण नहीं होता है, 12 घंटे बोला है, पर हमारे हिसाब से 4 से 6 घंटे तक इसका प्रदूषण रहता है पटाखों का, और वो किसी भी आदमी की बॉडी को अफेक्टेड नहीं करता है वो। अब ये सारा उन्होंने बोला है कि बायोमास बर्निंग की वजह से ही जो है ना ये सारा दिल्ली में प्रदूषण होता है, जो पराली हरियाणा में पंजाब में जलाई जाती है। इसके लिए पटाखे वाले किसी तरह से भी पटाखे उद्योग जिम्मेदार नहीं है। आज आप 5 साल हो गए या 5 साल से पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, अब दिल्ली सरकार और एनजीटी ने बैन लगाने की वजह से हमारा पटाखा उद्योग बर्बादी के कगार पे है। शिवकाशी में आज सैकड़ों कंपनियां बंद हो गई हैं, उनके मजदूर बेचारे भुखमरी के कगार पे हैं। दिल्ली में दसियों पटाखे ऐसे वाले हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बेच दी हैं या बेचारे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अब इस पटाखा उद्योग को दिल्ली में जो नुकसान हमारा हो चुका, आगे कम से कम इस जो रिपोर्ट को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस दिवाली पे कोई इस तरह का प्रतिबंध ना लगाया जाए और पटाखा उद्योग को बचाया जाए। ये हजारों साल से ये त्यौहार मनाया जाता है, कोई नया त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। और अब IIT की रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाई ये इससे पटाखों से प्रदूषण नहीं होता। तो हम दिल्ली सरकार से यही अनुरोध करते हैं NGT से कि पटाखा व्यापारियों को, क्या नाम है, इनके व्यापार को, हमारे उद्योग को ठप होने से बचाया जाए और इस साल इस तरह का कोई निर्णय न लिया जाए। और आज जो है पटाखा उद्योग, सब लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, व्यापारी, और अब अगर इस साल भी अगर उन्होंने किसी तरह का प्रतिबंध लगाया तो ये सब व्यापारी और व्यापार दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। एक बार फिर से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगातार 4थे दिन 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना था कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के मामले दिल्ली में कभी कभी बढ़ जाते हैं तो कभी एकदम से कम हो जाते हैं, तो कहा नहीं जा सकता कि कोरोना अभी पूरी तरीके से खत्म हुआ है। वहीं कोरोना से बचाव का उपाय अभी भी पहले की तरह 2 गज की दूरी, वैक्सीनेशन ही है। आपको बता दें कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो, जिससे कि कोरोना से बचा जा सके। पॉजिटिविटी इंडेक्स बढ़ सकता है आपका, जिसको हम ये कहेंगे कि केसेस हर जगह, आज आप कहीं पे आंकड़ा 16,000 पड़ रहा है, कल होने को 1,60,000 भी हो सकता है। लेकिन ये जो एक जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से इतने ग्रसित कौन से हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, ये सोचना या ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जो भी चल रहा है, जिस भी प्रकार का ये वायरस होगा, ये अभी इतना ज़्यादा घातक नहीं है जिससे दिक्कत हो, लेकिन बार बार कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाए। अपना सारे तीज त्यौहार मनाइए, 2 साल 3 साल के बाद की ये भीड़ है, इसको हम थोड़ा रिपल्सिव रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, तो उस वजह से भी भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अपना बचाव स्वयं करें, इस तरह से भीड़ में
ना जाए, और अगर कहीं पे भीड़ पाई जाती है तो उन जगहों पे लोगों को भी सचेत करिए कि इससे कोरोना बढ़ सकता है। कोविड के केसेस दिल्ली में हमने देखा कि बीच में 500 के आसपास हो गए थे, फिर दोबारा 1000 के आसपास हो गए, और हॉस्पिटल्स में कहीं ना कहीं एडमिशन भी देखने को मिल रहे हैं कोविड के केसेस की। और जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है 2020 का 2021 का कि कोविड के केस मानसून में बढ़ रहे थे, और यहीं पर ही अभी भी यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि वो भी वायरस है। वायरस का एक फैलना और लोगों का जो एक हमने कोविड के ऊपर एक एडवाइजरी थी कि मास्क डाल के निकलना है, आपने भीड़ नहीं लगानी, सैनिटाइज करके रखना है, वो लोगों ने छोड़ दिया। बड़ी बड़ी शादियाँ शुरू हो गई, फंक्शन शुरू हो गए, सबका मिलना जुलना शुरू हो गया, लेकिन कोविड तो है और कोविड रहेगा। पूर्वी दिल्ली के कलकडुमा स्थित प्रमिलाबाई चव्हाण बाधिर विद्यालय में स्पेशल चाइल्ड स्टूडेंट्स ने 15 अगस्त को लेकर कुछ पोस्टर्स, पेंटिंग, तिरंगा और क्राउन भी बनाया। प्रिंसिपल ने कहा कि सरकार की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया है कि हर घर तिरंगा की योजना को लेकर बच्चों ने कुछ तरीके से प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें तीनों कलर को मिलाकर कुछ बनाया जा सकता है। सभी बच्चों ने बिना किसी की मदद से खुद से क्राउन और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई। साथ ही आपको बता दें कि स्कूल में पोस्टर कॉम्पिटिशन भी रखा गया और तिरंगे के कलरों से स्माइली भी बनाई गई। पोस्टर कॉम्पिटिशन हुआ है स्कूल में, बच्चों ने क्राफ्ट वर्क में किसी ने क्राउन बनाया, और आपने देखा होगा कि बच्चों ने अपने मस्तक पर लगाए हुए हैं, और ये सब क्रियाएं इन्होंने, कुछ बच्चे कलरफुल अपना भोजन लेकर आए हैं कि जो तिरंगा है उसकी आन बान शान और इस विद्यालय में अपनी जो गतिविधियों में इन्होंने योगदान दिया। छोटे बच्चों ने स्माइली बनाकर ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर के अपने, इन लोगों ने स्टिक के साथ बनाया। टीचर्स का इतना योगदान रहा कि इन्होंने एक दिन पहले बच्चों को बताया कि आपको घर पर भी करनी है और विद्यालय में भी करनी है। बच्चों को हमने बहुत तरीके के असाइनमेंट दिए, टियारा बनवाना, क्राउन, कुछ पोस्टर और पॉम पॉम्स बनवाने के लिए दिए थे, उनको ट्राई कलर में लंच लाने के लिए भी बोला था, और ट्राई कलर से रिलेटेड जितनी भी बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उन सब के लिए हमने बच्चों को करने के लिए बोला, और बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। ये हमारा 15 अगस्त तक चलेगा प्रोग्राम, जिसमें हर घर झंडा, और यहाँ पर बच्चों के साथ साथ टीचर्स के ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है कि उसी तरह की वो ड्रेस पहन कर आई हैं। ज़्यादातर मैक्सिमम टीचर्स आपको ग्रीन कलर, वाइट और ऑरेंज में मिलेंगी। बच्चों से वेरियस एक्टिविटीज़ जैसा कि मैम ने बताया वैसे ही है। उनको आज जो लंच में हमने बोला था कि आप ऐसा खाना लाओ जिसमें ट्राई कलर हो, और इसी तरह मैंने क्राउन बनवाया बच्चों से पेस्टल शीट से। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में भी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के तहत एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें डीएम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से विधायक अजय महावर ने भी कहा कि उज्जवल योजना, उज्जवल भविष्य को लेकर अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किए जा रहे हैं, बच्चे काफी संख्या में कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं डीएम का कहना है कि बिजली का उपयोग कम से कम करें ताकि लोगों को भी बिजली मिल सके। आप देख सकते हैं यहाँ एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और अध्यापकगण यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए, और ये कार्यक्रम एक श्रृंखला में एक ऑर्गेनाइज किया गया था जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें से एक कार्यक्रम मुझे लगता है कि एक गुलदस्ते में जिस प्रकार सभी तरह के फूल होते हैं, एक अच्छे बाग में जिस प्रकार सभी तरह के फूल होते हैं, वैसे ही आज का ये प्रोग्राम है जिसमें हर तरह की फूल की खुशबू नज़र आ रही थी। इतने सुंदर और व्यवस्थित प्रोग्राम में हमारे सभी जिला के एसडीएम, एडीएम, डीएम मैम के साथ थी, और हमारे विद्युत विभाग के भी सभी अधिकारी, एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिक इस क्षेत्र के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।
तीज का त्यौहार 31 जुलाई को धूमधाम से मनाया गया, जिसको लेकर पूर्वी दिल्ली में जगह जगह तीज के कार्यक्रम किए गए। आपको बता दें कि कृष्णानगर के रघुनाथ मंदिर में भी प्रोग्राम आयोजित किया गया, जहां महिलाओं ने खूब डांस किया, मेहंदी लगाई, झूला झूला, और साथ ही प्रोग्राम में खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। आयोजकों का कहना है कि बेहद ही हर्षोल्लास के साथ महिलाएं तीज का त्यौहार मनाती हैं, साज श्रृंगार करती हैं और साथ ही शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना भी करती हैं। यहाँ देखिए हरियाली तीज एक सुहागनों का त्यौहार होता है और आप देख ही रहे हैं यहाँ की संख्या देखकर कि एंट्री लेने के लिए सब उत्साहित हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है। देखिए झूला भी है, गेम भी है, नृत्य भी है, मंगल अर्चनाएं भी हैं, सब कुछ है यहाँ पर। महिलाएं तो वैसे हर त्यौहार पर ही उत्साहित होती हैं और ये तो सुहागन का विशेष पर्व है, जिसके लिए उनको जो महिलाओं को तैयार होने का मौका मिलता है और इसलिए हमारी अपनी परंपरा को भी हमें आगे बढ़ाना है। जो हमारे त्यौहार हैं उसको बिल्कुल ना ख़त्म करते हुए हर त्यौहार को मनाना ही चाहिए। हिंदू सभ्यता में तो तीज काफ़ी मायने रखते हैं। एक तरह से करवा चौथ का जैसे त्यौहार होता है, उसी तरह से लेडीज़ तैयार होती हैं, अच्छे से सुंदर बन के आती हैं, मेहंदी लगाते हैं। पति की लंबी कामना के लिए ही एक ये व्रत होता है, जैसे माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, उसी तरह से मतलब करवा चौथ की ही अहमियत हमारे लिए इस त्यौहार की। महिलाओं में बहुत अच्छा उत्साह होता है, मेहंदी लगाती है, तैयार होती है, पूरी करवा चौथ की तरह ही तैयार होती है। बस फर्क होता है ना, व्रत नहीं होता है, बाकी सब नाच गाना हाँ। यहाँ पर लोकगीत हैं, गणेश वंदना है, महिलाओं के द्वारा ही कुछ अपने आप तैयार किए हैं, उसकी प्रस्तुति है और बच्चों के भी कुछ झूला झूला है, वाह खूब अच्छे से। वहीं विज्ञान लोक के गणेश मंदिर में भी तीज का त्यौहार मनाया गया, जिसमें महिलाओं ने मिलकर सावन के गीत गाए, भगवान भोलेनाथ और गौरा जी की पूजा की। सुंदर सुंदर वस्त्रों में महिलाएं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बारिश होने के बावजूद भी महिलाओं ने जमकर मस्ती की, सभी लोग सावन के रंग में रंगे दिखाई दिए। साथ ही मंदिर को बेहद ही खूबसूरती से सजाया गया था, महिलाएं इस दौरान आनंदित नजर आई। वहीं महिलाओं का कहना था कि तीज का त्यौहार कोरोना की वजह से 2 साल से वैसे भी नहीं मना पा रहे थे, आज 2 साल बाद तीज मना रहे हैं, जो हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है। और आज का दिन बहुत हर्षोल्लास और खुशी का दिन है, क्योंकि आज गौरव पार्वती जी ने तपस्या करके भोलेनाथ जी को प्राप्त किया था, तो इसलिए हम उनकी शादी की सालगिरह के रूप में बहुत धूमधाम से हम हर्षोल्लास से तीज मनाते हैं। सोने में सुहागे हो गया और इंद्रदेव जी भी आज के दिन इतने खुश हो रहे हैं कि हाँ, हमने आज भोलेनाथ जी की इतनी सुंदर तरीके से, अच्छी तरीके से सालगिरह मनाई, क्योंकि हम भी इतने खुशी से मनाते हैं अपनी सालगिरह, तो भोलेनाथ जी तो भोलेनाथ जी। बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, क्योंकि इस दिन शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, बहुत उत्साह से, जैसे शादी से भी ज़्यादा धूमधाम करते हैं। पूरी बारात निकली है, शिव पार्वती को सजाया है खूब, जैसे दुल्हन और दूल्हे को सजाते हैं। मेरी तो फर्स्ट तीज है, तो मैंने आज बायना निकाला और फिर उसके बाद रेडी होके यहाँ पे आए। मैं जल लेकर आई थी शिव जी के लिए और फिर उसके बाद श्रृंगार हुआ शिव पार्वती का, तो बहुत अच्छा। नहीं, खुश तो बहुत होती हैं, एक दो दिन पहले से प्लान करती हैं कि कौन से मार्केट में जाके मेहंदी लगवानी है, प्लस मेहंदी का डिज़ाइन कैसा होगा, अच्छी कलर होनी चाहिए, बैंगल्स, आपको क्या साड़ी पहननी है, उसके साथ मैचिंग बैंगल्स हैं, और तैयारी करते हैं अपना घर में। एक्साइटमेंट तो मतलब एक फेस्टिवल आता है तो थोड़ा सा रिवाइव हो जाते हैं हम लोग फिर से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN Live।